पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों के लिए आवाज बुलंद की। प्रदर्शन करते हुए सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिव्यांगों को मोटर रिक्शा वितरण के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाई गई है। इसी को लेकर आज सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या पर ध्यान देने की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दिव्यांगों के लिए प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को मोटर रिक्शा वितरण की योजना में व्यक्ति के 80% दिव्यांग होने की अव्यवहारिक शर्त लगाई गई है, जो अत्यंत खेदजनक है। देखिए, अभी एक शासन आदेश आया है कि दिव्यांगों को मोटर रिक्शा दी जाएंगी, जिसमें उन्होंने एक ये शर्त लगा दी कि 80% दिव्यांग जो होगा उसे ही मोटर रिक्शा दी जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी मांग ये है, जिस आदमी के पास भी, जिस दिव्यांग के पास भी दिव्यांग का सर्टिफिकेट है, उन सभी को मोटर रिक्शा दी जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों का और 80 साल से ऊपर का वोट जो है वो घर जाकर ही बैलेट पोस्टल बैलेट से पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि ये इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है। जो सही व्यक्ति हैं, जो सेहत में सही हैं, अच्छे हैं, उनको अब तक ये सरकार लॉलीपॉप देती आ रही थी, अब इन्होंने दिव्यांगों को भी लॉलीपॉप देने का काम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसमें जो 80% वाली शर्त है वो हटाई जाए, जो भी दिव्यांग है उसे मोटर रिक्शा दी जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार पार्टी के नेताओं में छापे पड़ रहे हैं, उनको लेकर देखिए, तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसकी बौखलाहट है। आपने बंगाल में भी देखा था कि जो जब चुनाव शुरू हुआ था तो TMC के नेताओं पर ऐसे ही छापे पड़ने शुरू हुए थे, और वहाँ की जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब दिया? DM साहब ने कहा है कि हम ये जो आपकी भावना है इधर मुख्यमंत्री को अवगत करा देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।